स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हेज ब्रिज। तो हेज ब्रिज जो है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में हमारे पास क्या था कि ये जो C4 था ये पैरेलल में था R4 के, है ना, और इट वाज द डिकेड रेजिस्टर। इसको डिकेड कैपेसिटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिकेड रेजिस्टर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, डिकेड जो कैपेसिटर है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और हमने फिर उसको रिप्लेस किया था हमने सिंपल फिक्स्ड कैपेसिटर से। फिक्स्ड कैपेसिटर से रिप्लेस करने के बाद जो हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई थी उसमें हमारा R2 जो है वो दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट हो रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बन रही थी, इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपकी नहीं बन रही थी, तो स्लाइडिंग बैलेंस और द कन्वर्जेंस की सिचुएशन जो है प्रोड्यूस हो रही थी इन द ब्रिज बैलेंसिंग। इस सिचुएशन में क्या होता है, ब्रिज जो है, ब्रिज को बैलेंस करना बहुत ज्यादा लेबोरियस हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो हमने ये उसका मॉडिफिकेशन किया है हेज ब्रिज में। हेज ब्रिज में क्या है, आपका R4 के साथ C4 जो है वो इट इज अ सीरीज कैपेसिटर। तो इसमें L1 है आपका अननोन इंडक्टेंस जो कि हमको मेजर करना है, इट इज द अननोन इंडक्टेंस। R2, R3, R4 है आपके नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। C4 है आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर। C4 जो है हमारा जो है कम वैल्यू का स्टैंडर्ड कैपेसिटर है। अब अपन देख लेंगे बैलेंस कंडीशन कैसे बनती है। एट द बैलेंस कंडीशन, यू नो, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इम्पिडेंसेस ऑफ अपोजिट आर्म्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इम्पिडेंसेस ऑफ अपोजिट आर्म। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। तो अपोजिट आर्म्स क्या है आपकी, Z1, Z4, देन Z2, Z3। तो Z1 क्या है आपका, R1 और सीरीज में है j ओमेगा L1 प्लस इनटू मल्टीप्लाई बाय Z4। Z4 में क्या है आपका, R4 प्लस सीरीज में है आपका कैपेसिटर 1 अपॉन j ओमेगा C4 इक्वल्स टू Z2, Z3 क्या है हमारा, Z2 है हमारा R2 और Z3 है हमारा R3। तो ये इक्वेशन बन गई बैलेंस इक्वेशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे R1 इनटू R4, फिर इसका R1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला जे था इसको हमने ऊपर ले लिया, तो ऊपर लेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, R1 माइनस जे ओमेगा C4। फिर इस वाले जे ओमेगा L1 का हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो R4 जे ओमेगा L1 इंटू R4, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो गया जे का स्क्वायर ओमेगा L1 ओमेगा C4 इज इक्वल्स टू R2 R3। अब अपन देखेंगे क्या चीजें कैंसिल हो रही है, यहां से ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा आपका क्या, ये बचेगा आपका R1 R4 माइनस R1J ओमेगा C4 प्लस R4 इंटू जे ओमेगा L1। यहाँ पे बचेगा आपका माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, तो ये बचेगा आपका L1 अपॉन C4 इज इक्वल्स टू R2 R3। अब कौन से स्टेप है, अब अपन को क्या करना है, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स, इमेजिनरी टर्म्स, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर, R1 R4, और ये भी हमारा रियल पार्ट में है L1 अपॉन C4 इज इक्वल्स टू R2 R3। तो एक हमारी ये इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन बनेगी जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। ये हमने रियल पार्ट्स को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 अपॉन ओमेगा C4 इज इक्वल्स टू ओमेगा L1 R4, ये R4 भी है और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो लिख देते हैं। तो R1 ये J वाला टर्म्स था, और आपका एक ये वाला J R1 अपॉन ओमेगा C4 R4 L1 ओमेगा L1 R4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका L1 का क्या बन जाएगा, तो अपन यहाँ ओमेगा L1 यहाँ लिख लेते हैं, ओमेगा L1 R4 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन ओमेगा C4। तो यहाँ से हमारा L1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर L1, R4 भी नीचे चला जाएगा आपका और ओमेगा भी आपका नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन
आर फोर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर सी फोर आर फोर। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, पर दिस इज नॉट द बैलेंस इक्वेशन। ये जो है हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, दिस आर नॉट द बैलेंस इक्वेशन। ये दोनों जो है हमारी सिंपल इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो है हमारा जो है रियल L1 और R1 यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से L1 की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तब कहीं जाके हमारा जो है रियल R1 आएगा, देन फिर जो R1 की वैल्यू आएगी वो वापस से हम L1 में रखेंगे, तब जाके हमारे पास L1 की वैल्यू आएगी। बाय सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई हैं। ये रियल पार्ट को हमने इक्वेट किया है इक्वेशन नंबर 1 में, और ये जो आपका L1 आया है ये इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करने के बाद आया है। तो अभी हमारे पास क्या है, फाइनल इक्वेशंस बैलेंस इक्वेशन नहीं आई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी L1 है और यहाँ पर भी L1 है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट नाउ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो L1 की वैल्यू आई है इसको उठा करके हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना। L1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R1 R1 R4 एंड C4, ये C4 यहाँ पर आ जाएगा प्लस L1 और C4 हमारा यहाँ भी आ जाएगा R2 R3, ठीक है। यहाँ से L1 की वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड स्टेप में, R1 R4 C4 प्लस L1 कितना है आपका, R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R1 R4 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये R4 है ये भी R4 है, C4 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये भी C4 है ये भी C4 है, प्लस R1 इज इक्वल्स टू, ये चीज हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, R2 R3 ओमेगा स्क्वायर C4 R4। यहां से हम R1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर R1 R1 तो हमारा चला गया बाहर, तो R1 नहीं आएगा, ये आएगा आपका R4 का स्क्वायर और C4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू R2 R3 ओमेगा स्क्वायर C4 R4। अब यहां से हमारा R1 कितना आ जाएगा, व्हाट इज द R1, या पूरी की पूरी चीज उठाकर अपन नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा R2 R3 ओमेगा स्क्वायर C4 R4 अपॉन 1, 1 को अपन आगे ले लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चूंकि R1 नहीं आएगा, R1 हमने कॉमन निकाल लिया था, R4 का स्क्वायर C4 का स्क्वायर। Now this is your R1. अब इस R1 की वैल्यू जो है हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर L1 में, तो यहाँ पर हमारे पास L1 आ जाएगा। तो दिस इज योर R1, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ R1, ठीक है। R1 की वैल्यू यहाँ से उठा करके हमें कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर रख लेते हैं अपन, L1 इज इक्वल टू कितना है आपका R1, R1 कितना आ गया आपका, ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, अपन आगे लिख लेते हैं, R2 R3 C4 R4। तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पर C4 R2 R3 यहाँ पर है हमारा R2 R3 L1 इज इक्वल्स टू R2 R3, हमारा C4 भी C4 यहाँ पर C4 आएगा आपका C4, ठीक है। R1 R4 C4 यहाँ से हमने एलसीएम लेंगे, R1 R4 C4 प्लस ऑफ L1 इज इक्वल्स टू R3 R3 C4, फिर ये आएगा हमारा C4 R1 R2 R4 C4, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी L1 की, R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 R4, फिर यहाँ पर हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लिया, तो ये आ गया हमारा प्लस R1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या था, C4 ऑलरेडी है, तो इस C4 को C4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा C4 का स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा हमारा C4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा R1, जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर C4 का स्क्वायर, C4 का आपका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, C4 का स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर आर फोर का स्क्वायर सी फोर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर सी फोर का स्क्वायर आर फोर वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर फोर सी फोर का स्क्वायर. अब अपने पास क्या क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, ये एल वन की वैल्यू आई है यहाँ से आर वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी फोर आर फोर, यहाँ से ये अपन ने क्या करा था पहले जो बैलेंस इक्वेशन जो हमने लगाई थी उससे हमको ये वाली वैल्यू मिल गई थी. फिर हमने यहाँ से आर वन की वैल्यू ये हमारी आ गई है तो यहाँ पर इसको एल वन में पुट करेंगे. तो आपकी आर वन की वैल्यू कितनी, आर टू आर थ्री सी फोर का स्क्वायर आर टू आर थ्री ओमेगा स्क्वायर सी फोर का स्क्वायर आर फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर फोर का स्क्वायर देन सी फोर का स्क्वायर, और क्या है नीचे ओमेगा स्क्वायर सी फोर आर फोर. एल वन की वैल्यू के नीचे आर वन अपन को रखना है, आर वन अपन ने रख दिया और नीचे इसमें ये पहले से था तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी फोर आर फोर सी फोर आर फोर. हम यहाँ से देखेंगे कौन कौन सी चीजें कट हो रही है, हमारा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट हो रहा है, सिंगल सी फोर कट हो गया स्क्वायर में से और आर फोर हमारा यहाँ पर कट हो गया. अब जो भी चीजें बची हैं उसको लिख लेते हैं, हमारे पास क्या बचा है आर टू आर थ्री एंड द सी फोर, ये बचा है नीचे, और नीचे जो है एज इट इज डिनोमिनेटर ओमेगा स्क्वायर आर फोर का स्क्वायर एंड सी फोर का स्क्वायर. तो ये हमारा बचा हुआ है यहाँ पर, दिस इज योर एल वन. तो ये हो गया हमारा एल वन और यहाँ पर आ गया हमारा ये आर वन. तो दीज आर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर एल वन आया आर टू आर थ्री सी फोर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर फोर सी फोर, यहाँ पर आया आर टू आर थ्री सी फोर आर फोर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला है यहाँ पर कि ये वाला जो ब्रिज है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, दिस ब्रिज इज द फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एसी सोर्स है इसकी फ्रिक्वेंसी हमको अच्छे से पहले से पता होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपके जो एक्सप्रेशन है इसमें आपका ओमेगा आ रहा है. दूसरी क्या चीज़ है आपका कि क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ एल वन. हम यहाँ से अगर क्वालिटी फैक्टर निकालें क्यू, व्हाट इज द क्यू, क्यू इज इक्वल टू होता है आपका रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज ओमेगा एल वन अपॉन आर वन. तो यहाँ से अगर अपन एल वन की वैल्यू, ये L1 की वैल्यू और ये वाली R1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा L1, L1 है आपका R2 R3 C4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 का स्क्वायर एंड C4 का स्क्वायर. तो ये हमने L1 पुट कर दिया, R1 पुट करना है हमको, R1 पुट करेंगे तो ये हमारा अपोजिट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर फोर का स्क्वायर एंड सी फोर का स्क्वायर फॉर, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी आर टू आर थ्री ओमेगा का स्क्वायर सी फोर का स्क्वायर एंड आर फोर एंड एक आएगा हमारा यहाँ पे आर फोर. तो अब देखेंगे कौन कौन सी चीजें कट हो रही है, ये पूरा के पूरा डिनोमिनेटर, ये जो तीनों चीजें हमारी कट हो गई है. इसके बाद यहाँ से एक और ओमेगा कट हो गया है, आर टू कट हो गया है, आर थ्री कट हो गया है हमारा यहाँ पर, और ये सी फोर का स्क्वायर कट गया है यहाँ से, नहीं ये तो अपना ये कट गया था, ये सी फोर बचा है यहाँ पर हमारा, और अब क्या बचा है यहाँ पे, एक सी फोर कट गया, एक हमारा सी फोर कट गया. तो बचा क्या है हमारे पास नीचे, बस ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें कट चुकी हैं. नीचे हमारे पास क्या बचा, एक तो ओमेगा बचा है क्योंकि यहाँ पर दो ओमेगा थे, ओमेगा एक सी फोर बचा है क्योंकि स्क्वायर था सी फोर आर फोर. तो ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर. तो हम यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो हमको सी फोर और आर फोर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस, यानी कि C4 और R4 की वैल्यू जो है हमें कम वैल्यू वाला C4 और R4 लगेगा जब हम हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर जो है इस ब्रिज से मेजर करेंगे. यानी दिस ब्रिज इज सुटेबल ओनली फॉर द हाई Q कॉइंस, Q इज ग्रेटर देन 10 इज सुटेबल फॉर दिस ब्रिज. इस ब्रिज से हम जो है हाई क्यू कॉइल को बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वाली इक्वेशन में आपके पास क्या आ गया है, सी फोर आर फोर जो है वो आपका जो है डिनोमिनेटर में आ गया है. अब यहाँ से हम L1 का भी यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं.
एल्बन का एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये अब यहाँ से हम क्यू का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, सी फोर का स्क्वायर एंड आर फोर का स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया। अब अपन इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दे, बोथ साइड रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें ये जो वैल्यू है ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर फोर का स्क्वायर सी फोर का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख दें, वन अपॉन क्यू का स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आपका आर टू आर थ्री सी फोर वन प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया है, क्या कंक्लूजन मिल गया है कि जैसे जैसे q की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो कम होता जाएगा, मतलब इट इज नेग्लिजिबल, जैसे जैसे q की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ये वन अपॉन q है ये क्या होगा आपका घटता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जैसे कि ग्रेटर देन 10 11 12 या 1000 के लिए ये जो वैल्यू है हमारा डिनोमिनेटर जस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा और हमारे पास L1 क्या आ जाएगा, इन दिस केस हमारा, इस केस से हमारा L1 क्या बन जाएगा, व्हाट इज द L1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R2 एंड द C4। तो ये हमारा वही वाला इक्वेशन आ गया जो कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का है, लेकिन ये इक्वेशन कब होल्ड करेगा, जब हमारा Q बहुत ज्यादा हाई होगा, सो दिस ब्रिज इज सुटेबल ओनली फॉर द Q कॉइल्स हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन 10, दिस इज इट्स एडवांटेज, और डिसएडवांटेज ये है कि ये लो क्यू कॉइल्स के लिए हम इस ब्रिज को यूज नहीं कर सकते।